ओके, तो ये दो फोन्स हैं मेरे पास, वन प्लस 7 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो. और आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या कर रहा है फ़ोन के साथ, दो अलग अलग कैटेगरी के फ़ोन है, एक 40-50 हज़ार का फ़ोन है और एक बेचारा 15 हज़ार का फ़ोन है. तो बेसिकली आप ये क्लिप देखिए. Let's also look at how it compares with devices that are priced a lot higher. Oppo Reno 2 and a OnePlus 7 Pro. I know they're 48, but the prices are still quite high. So might as well compare that, right? Let me zoom in a bit and start showing you the difference. When you zoom in, the clarity on the Note 8 Pro and the entire accuracy of the colors and the way the light has been treated is far superior. Now, on the Note 8 Pro, not only is it more accurate, the exposure has been kept in check. It's not blown out like the Reno 2. And of course, the smart ISO kicks in with the sensor, so you do not see the kind of noise that you see on the OnePlus 7 Pro. तो इस क्लिप में आपको पता चल गया होगा कि कैसे Xiaomi ने क्लेम किया कि OnePlus 7 Pro के कैमरे से भी ज़्यादा बेटर ये कैमरा है, मतलब 64 मेगापिक्सल टू बी प्रिसाइज. तो वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर वो लोग क्लेम कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते. तो इस जो वीडियो में हम थोड़ा बहुत टेस्टिंग करेंगे, कैमरा कंपेरिजन करेंगे और साथ में आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि Redmi 8 Pro का जो कैमरा वो कैसा है. तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन. चलिए कैमरा टेस्ट करते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे डे लाइट फोटोज़ के साथ बेसिकली. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वन प्लस की फोटो है काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डायनेमिक रेंज अच्छा है, क्योंकि आप पीछे क्लाउड्स को देखो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं यहाँ पे और रेडमी में. और बेसिकली इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक दोनों सेम है. थोड़ा सा वन प्लस के ज़्यादा ब्राइट है और रेडमी थोड़ा नेचुरल लग रहा है. तो आप पे डिपेंड करेगा बेसिकली. मुझे वन प्लस इसमें बेटर लगा इस केस में. बट अगर हम वाइड एंगल में जाएंगे तो यहाँ मैं प्रॉप्स देना चाहूँगा रेडमी को, उन्होंने ज़्यादा वाइड एंगल कैमरा लिया और जो दोनों की इमेजेस हैं काफ़ी अलग हैं. रेडमी थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल, सॉरी वन प्लस थोड़ी ज़्यादा नेचुरल ले रहा है और रेडमी थोड़ी सी ओवर सैचुरेट कर रहा है. और अगर हम जूम करेंगे, जो कि डेडिकेटेड आपको कैमरा लेंस मिलता है देखने को यहाँ पे वन प्लस में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको कल जूम दिखेगा, 3 टाइम्स दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा, जबकि Xiaomi का इतना अच्छा नहीं है और बेसिकली डिजिटल जूम यूज़ कर रहा है. इस पिक में मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि Redmi ने काफ़ी अच्छी जो मतलब Xiaomi की पिक थी काफ़ी अच्छी थी और वन प्लस की थोड़ी सी ज़्यादा ऐसा मतलब लग रहा था कि कलर ज़्यादा बूस्ट किए हैं. तो यहाँ मुझे Xiaomi ज़्यादा पसंद आया और इस केस में मैं डेफिनेटली वन प्लस के साथ जाना चाहूँगा. पर मैं काफ़ी लोगों को देख सकता हूँ जो कि Xiaomi के साथ जाएंगे, Redmi के साथ जाएंगे, Note 8 के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कलर डिफरेंस आ रहा है. मुझे ज़्यादा शार्प जो इमेज लगी वो वन प्लस की लगी, बट आप पे डिपेंड करेगा आप क्या लेना चाहते हैं, क्या चूज़ करना चाहते हैं. ये वाइड एंगल अगेन आप देख सकते हैं कि Xiaomi जो है Redmi जो है ज़्यादा वाइड है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं वन प्लस की थोड़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज है और काफ़ी क्लियर दिख रहा है सब कुछ. बट अगेन मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे Redmi Note 8 Pro को चूज़ करेंगे. तो अगर आप भी उनमें से एक हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पसंद आया, Redmi Note 8 Pro या फिर जो वन प्लस है उसकी इमेज. और यहाँ पे अगेन जूम की आप कैपेबिलिटी देखोगे तो जूम जो वन प्लस का ऑब्वियसली बेटर ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे डेडिकेटेड आपको एक मोड मिल रहा है. बट यहाँ पे अगर हम इस फोटो में चले तो अगेन ये नॉर्मल एक मोड से हमने लिया था और यहाँ पे फिर वन प्लस में डायनामिक रेंज और वो कलर और जो डिटेल्स है सब कुछ दिख रहा है, जबकि Xiaomi थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कलर को ऐसे डिप किया हुआ और डिटेल्स उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, ऐसा दिखने में लग रहा है, जबकि 64 मेगापिक्सल ऑब्वियसली Xiaomi में है. और अगर वाइड एंगल देखेंगे तो सेम चीज़ जो हमें पहले दिखती आ रही थी वही देखेंगे कि Xiaomi ज़्यादा वाइड है बट कहीं ना कहीं कलर थोड़े से अलग हैं. यहाँ अगेन मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि काफ़ी लोग Xiaomi को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनके कलर थोड़े नेचुरल हैं, जबकि वन प्लस थोड़े बूस्ट किए हैं यहाँ कलर. और मुझे मतलब वाइड एंगल में मुझे थोड़े से ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पे जो नेचुरल कलर नहीं रहेंगे, थोड़े बूस्टेड कलर रहेंगे. बट अगेन आपकी प्रेफरेंस रहेंगी, कॉमेंट सेक्शन नीचे है उस पर जाके कर दो. और इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन जूम कैपेबिलिटी देखेगी, 3 टाइम जूम वर्सेस 2 टाइम जूम. अब इस पिक को मैंने 64 मेगापिक्सल में लिया था और वन प्लस के ऑफकोर्स 48 मेगापिक्सल मोड में लिया था. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक अलग टाइप की पिक्चर है दोनों. और जो वन प्लस की इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब से आई है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, जबकि मैं Xiaomi की ज़्यादा प्रेफर करूँगा. यहाँ पे प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पे वन प्लस से और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जो कि एक हद तक सच होता जा रहा है. और यहाँ अगेन अगर आप 10 टाइम जूम करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि 64 मेगापिक्सल ने ज़्यादा अच्छा काम किया है यहाँ पे शार्पनेस के मामले में. अगेन ये 64 मेगापिक्सल की इमेज है, पर यहाँ पे मैं डेफिनेटली वन प्लस को चूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपको क्लियर क्लैरिटी ज़्यादा दिख रही है, आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी बेटर दिख रही है, ओवरऑल ब्राइटनेस अच्छी है.
बट अगर हम 10 टाइम जूम करेंगे तो हमें डेफिनेटली जो शॉमी अपने मसल्स दिखा रहा है 64 मेगापिक्सल के, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिलेगी। सॉरी आपको बीच में परेशान करने के लिए, बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को, मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको तो ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता ही रहेगा, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वापस वीडियो में चलते हैं, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। अगर हम मैक्रो शॉट में जाएं, जो मतलब मैक्रो फोटोज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे Xiaomi परफॉर्म कर रहा है। जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है और जो डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना क्लोज है यहाँ पे, यही चीज़ सेम चीज़ OnePlus नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डेडिकेटेड कैमरा नहीं है या हार्डवेयर नहीं है, तो OnePlus नहीं कर सकता ये। बट Xiaomi ने काफ़ी अच्छा काम किया और शाउट आउट टू ऐश्वर्या जिन्होंने ये काफ़ी अच्छे पिक्स यहाँ देखने वाले लिए हैं और आपको दिख रहा काफ़ी अच्छे कैमरा एंगल्स वगैरह। बट ओवरऑल अगर आप ऐसे उन लोगों में से एक है जो मतलब मैक्रो शॉट को अच्छे से यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा यहां पे ऑप्शन रहेगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड की तरफ, जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा। OnePlus डेफिनेटली मच बेटर है यहाँ पे। इवन नेक्स्ट पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं ब्लर को, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी मतलब एडजस्टेड ब्लर है, काफ़ी मैंने कम किया था ब्लर Xiaomi का। और OnePlus में ऐसा ये सब नहीं कर सकते हम, बट डेफिनेटली हम एक ये क्लोजअप जो मतलब वो अपना जूम लेंस यूज़ करता है वो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आप देखेंगे मैंने वही किया है, मैंने जूम लेंस यूज़ किया OnePlus का और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की है मैंने थोड़ी सी यहाँ पे Xiaomi के फ़ोन में जो ब्लर थोड़ा बढ़ा दिया, पर एच डिटेक्शन में अभी भी कह रहा हूँ OnePlus का ज़्यादा बेटर है। ये केस मैंने विदाउट ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली OnePlus का अगेन बेटर लगा जस्ट कलर वाइज। एच डिटेक्शन में मैं इतना नहीं कहूँगा, दोनों के बहुत अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं जो कलर था वो काफ़ी बेटर था यहाँ पे OnePlus का, और Xiaomi थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर गया और यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी उतनी अच्छी नहीं है। अब चलते हैं जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, फ्रंट फेसिंग कैमरा की जो सेल्फी है गुड लाइटिंग कंडीशन में डेफिनेटली OnePlus की बैटरी है, डायनामिक रेंज जो है OnePlus का बेटर है। Xiaomi ने पिछला अगर आप देखेंगे आसमान सारा उड़ा दिया है, और यही सेम केस पोर्ट्रेट मोड में जो कि OnePlus काफ़ी हद तक पीछे आपको दिख रहा है जो भी आपको दिखना चाहिए, और Xiaomi ने वो सारा ब्लो आउट कर दिया, तो डेफिनेटली OnePlus यहाँ पे ज़्यादा आगे है प्रोसेसिंग के मामले में अगर हम देखेंगे फ्रंट फेसिंग कैमरा को। फ्रंट फेसिंग कैमरा 1080p 30fps इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है और आपको स्टेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। और ये वाइड एंगल वीडियो है जो कि 30fps 1080p पे ही है, तो आवाज़ भी माइक्रोफोन से आ रही है और आपको स्टेबिलिटी का भी पता चल जाएगा, और क्वालिटी थोड़ी सी हिट करेगी ऑफ कोर्स। और ये है 4K 30fps, तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसकी क्लैरिटी और स्टेबिलिटी कैसी है 4K में। ओके, तो ये है 1080p 60fps, और अभी आपको स्टेबिलिटी और माइक का दोनों का पता चल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी भी कैसी है। और फाइनली ये है 1080p 30fps, जो कि मुझे काफ़ी स्टेबल वगैरह लगेगी और थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी वो भी अच्छी और इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। जो स्लो मोशन है वो भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है वो थोड़ा सा फेक इंटरपोलेटेड जिसको कहते हैं वो है, तो आपको 960fps ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, और 240fps और 120fps है तो वो आप यूज़ करें तो अच्छा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा का टेस्ट लो लाइट कंडीशन में, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है और स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। बैक कैमरा 1080p 60fps पे, और आपको स्टेबिलिटी और माइक का पता चल जाएगा। यह है 4K 60fps नहीं 30fps, और माइक और स्टेबिलिटी अगेन सेम कैमरा से ही पता चल जाएगी आपको। और ये अल्ट्रा वाइड जो कि और भी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है वैसे, बट आपको पता चल जाएगा थोड़ा। और फाइनली बारी आती है यहाँ पे नाइट टाइम फोटोज़ की, तो ये थोड़ा एक डिसेंट लिट एनवायरनमेंट था, मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं था, और काफ़ी अच्छा काम किया दोनों फ़ोन्स ने, मेन कैमरा से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जो यहाँ पे वाइड एंगल है वो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है, जबकि OnePlus की थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट इमेज है, बट इतना मुझे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यहाँ जूम लेंस अगेन आपको दिख रहा है कि 3 टाइम्स और 2 टाइम्स का डिफरेंस है यहाँ पे, OnePlus ज़्यादा पास जा सकता है सब्जेक्ट के।
और जो सेल्फी है जो नॉर्मल लाइट में काफ़ी अलग अलग आई हैं। जो वन प्लस की थोड़ी वार्म सेल्फी है, थोड़ी येलोइश सी है, और यहाँ पे अगेन जो रेडमी की थोड़ी ब्लूइश है। मुझे कोई खास दोनों में से पसंद नहीं आई, बट मैं अगर फिर भी चूज़ करूँ तो मैं रेडमी की तरफ जाऊँगा यहाँ पे। आप बताइए आप किसकी तरफ जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। काफ़ी आपको कमेंट करने को मिल गया, तो आप भी करिए थोड़ा कमेंट जाके। और थोड़ा और डार्क एनवायरनमेंट में चले तो ये फोटो मुझे काफ़ी पसंद आई। मुझे ये पिक जो वन प्लस की थी, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वन प्लस ने सारे बोर्ड्स को यहाँ पे मतलब बचा के रखा, उनकी सारी की सारी जो भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, जबकि वन प्लस जबकि रेडमी ने वो काफ़ी हद तक उड़ा दिया है। और यहाँ पे मैंने नाइट मोड यूज़ किया था बेसिकली, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन प्लस ने काफ़ी हद तक जो है डिटेल्स सामने निकाल के लाई हैं, और बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी ओवरऑल इमेज दिख रही है यहाँ पे। और जब हम वाइड एंगल पे आते हैं तो शॉमी नाइट मोड नहीं प्रोवाइड करता वाइड एंगल में, तो आपको उतनी अच्छी इमेज नहीं देखने को मिलेगी, जबकि वन प्लस की आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज देखने को मिल रही है नाइट मोड की वजह से। और ये पिक अगेन मैंने नाइट मोड में ली थी, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा एज देना चाहूँगा वन प्लस को, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे नोटिसेबल आपको नहीं दिखेगा, तो इतना आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करते हैं दोबारा नाइट मोड पे, थोड़े और डार्क एनवायरनमेंट, थोड़ा सा और डार्क हो गया यहाँ, वन प्लस ने डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर किया, और वाइड एंगल में तो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा बेटर किया। हालांकि कोई खास इमेज नहीं है, मतलब अभी भी काफ़ी इतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली रेडमी से काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। और यहाँ पे भी अगेन कुछ बहुत ज़्यादा डार्क था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क था, आप देख ही सकते हैं रेडमी ने उतना अच्छा काम नहीं किया, बट वन प्लस ने फिर भी काफ़ी हद तक कैप्चर किया और हमें वो डिटेल्स दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम चीज़ आपको दोबारा देखने को मिल रही है, और वाइड एंगल में अगर आपको देखना है तो वाइड एंगल में Xiaomi कुछ भी नहीं दिखा रहा, जबकि वन प्लस का एटलीस्ट कुछ दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा नाइस मतलब लाइटिंग कंडीशन थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वन प्लस ने हैंडल किया, जबकि Xiaomi ने थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया, ज़्यादा ही ब्राइट कर दिया सब्जेक्ट को। और जब सेम चीज़ थी यहाँ पे, मतलब आपको अगर वाइड एंगल पे जाना है तो Xiaomi ने मतलब यहाँ ज़्यादा डार्क कर दिया, और वन प्लस ने जस्ट इवन यहाँ पे लिट किया। और ये पिक देख के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस ने टोटली ही वार्म कर दिया, येलोइश कर दिया, हालांकि ऐसा ही था वो कंडीशन, बट कहीं ना कहीं Xiaomi ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ पे बैलेंस किया, और मतलब एक ओवरऑल अच्छी पिक लेके आए हैं। नेचुरल वन प्लस की है, बट देखने लायक जो यूज़ करने लायक पिक है वो डेफिनेटली वन प्लस सॉरी रेडमी की है। तो डेफिनेटली आप बताइए आपको कौन सी पसंद आई, मुझे तो यहाँ पर्सनली जो है पसंद आई है Xiaomi की। तो अगर हम देखेंगे 64 मेगापिक्सल को अब, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि Xiaomi की इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है ओवरऑल, और वन प्लस की थोड़ी सी डार्क दिख रही है। बट अगर हम 10 टाइम जूम करेंगे तो आपको दिखेगा सामने सामने कि वन प्लस ने काफ़ी हद तक इमेज को बचा के रखा, जबकि Xiaomi ने पूरी तरह से वो पिक्सलेट कर दिए इमेज, और काफी ज्यादा नॉइज देखने को मिल रही है। तो ब्राइट तो वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नॉइज देखने को मिल रही है। और अगर मैं नेक्स्ट फोटो लगाऊं, ये अगेन 64 मेगापिक्सल में है, और यहां ओवरऑल इमेज मुझे वन प्लस की बेटर लगी, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा रियल लाइफ नेचुरल थी, और Xiaomi थोड़ा सा ज्यादा कूल मतलब चला गया, ब्लूइश चला गया। बट अगेन यहां अगर मैं 10 टाइम जूम करूंगा तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं वन प्लस ने काफी अच्छा काम किया डिटेल्स बचाने का। आप पढ़ सकते हैं, लिटरली पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, जबकि दूसरे साइड पर आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। तो डेफिनेटली लो लाइट में 64 मेगापिक्सल काफ़ी हद तक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। और फाइनली हम चलते हैं सेल्फी की तरफ, तो यहाँ मैं डेफिनेटली जो है Xiaomi की प्रेफर करूँगा सेल्फी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वो ब्राइट है और ज़्यादा डिटेल्स हैं उसमें, वन प्लस की पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो डेफिनेटली सेल्फी के मामले में इस अल्ट्रा लो लाइट में मैं Xiaomi प्रेफर करूँगा। और ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक क्लोज आया है Xiaomi वन प्लस के, डेफिनेटली उनके बीच में अराउंड 30,000 का कुछ गैप है, बट फिर भी काफ़ी हद तक क्लोज आया है Xiaomi। और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे Xiaomi क्लोज आ गया, बट डेफिनेटली 64 मेगापिक्सल का मुझे कोई मतलब नहीं दिखा, फ़ायदा नहीं दिखा। उससे अच्छा अगर वो प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर करते, थोड़ा सॉफ्टवेयर में इंप्रूव करते 64 मेगापिक्सल डालने की जगह, तो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी वो हद तक कवर कर सकते थे, काफ़ी हद तक अच्छा कैमरा बना सकते थे। तो डेफिनेटली अगर आप 64 मेगापिक्सल के नाम पर ले रहे हैं फ़ोन, मार्केटिंग के नाम पर ले रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा, जब तक आपको उसकी प्रोसेसिंग और आपके आपको पिक्स अच्छी ना दिखे, या आपको उस टाइप की पिक्स पसंद है, तो डेफिनेटली तब तक मत लीजिए कुछ। और यही मेरा पूरा वर्डिक्ट है कि आप 64 मेगापिक्सल मत जाइए, बट डेफिनेटली काफ़ी हद तक दोनों जो फ़ोन्स हैं आपस में मैच कर रहे हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों फोन्स में से बेटर कौन सा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।